हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय टू चैनल। सो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक वार्निंग है कि आप सभी मेरा वीडियो देखना बंद कर दें, स्टॉप वॉचिंग माय वीडियोस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो लोग हैं, जो यूथ हैं, उनको एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट जिसको बोलते हैं पेशेंस की कमी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो प्लीज़ अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें और मुझे फॉलो करना बंद कर दें। इसलिए बिकॉज मैं थक चुका हूँ। लाखों हज़ारों मुझे मैसेज करते हैं, टेक्स करते हैं, कॉल करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि मैंने जो पहले वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनका मैंने नाम लिया है, उसका पहले जाके कंटेंट देखें आप। द प्रॉब्लम इज़ कि लोग आजकल एफर्ट लगाना नहीं चाहते हैं, चाहे किसी फील्ड में हो, और चाहते हैं कि लाइक एक होता है ना क्विक मैजिक, कि अब मैं आपको एक चूर्ण दूँ, एक मैजिक पिल दूँ, एक ऐसा कोई जादुई चीज़ दूँ जिससे तुरंत ठीक हो जाए। आपने अपना जो इशू है, क्रॉनिक इशू है टिनिटस का, वो आपके लाइफस्टाइल में, बार बार बोलता हूँ कि टिनिटस कोई बीमारी नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल और डाइट का डिसऑर्डर है। आपने अपने लाइफ को, जब लंबे समय आपने क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गया, और टिनिटस होने के पहले भी आपके बॉडी में बहुत सारा मल्टीपल इशू रिवॉल्व कर रहा होगा। अब जस्ट अब एक सेकंड के लिए पॉज करें, अपने आप को पॉज करें और गो बैक इन द फ्लैशबैक मेमोरीज, और जस्ट देखें, पॉज करके ध्यान लगा के दिमाग शांत करके देखें आप सभी कि आपने ऐसा क्या गलती किया। और ये ज़रूर ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं एकदम दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ कि जिनको भी टिनिटस हुआ है, उनके लाइफ में टिनिटस होने के पहले या तो उनके बॉडी में कोई गट इशू होगा, साइनस इशू होगा, क्रॉनिक स्ट्रेस होगा, या कोई भी ऐसा मल्टीपल इशू, चाहे किडनी स्टोन्स हो या आपका थायराइड इशूज हो, ठीक है, इनका हाई बीपी हो, डायबिटीज़ हो, किडनी हेल्थ हो, लीवर हेल्थ, लीवर हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है टिनिटस में। अगर आपको डिप्रेशन है तो अपना लीवर का इलाज कराएं पहले। तो मैं यही बोलता हूँ कि टिनिटस होने के पहले व्हाई आर यू फोकसिंग ऑन टिनिटस, आप टिनिटस पर फोकस करना बंद करें। पहले आपके बॉडी में जो भी इशू है, आप मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को कि बॉडी में गैस बनना इज़ नॉट नॉर्मल, बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होना इज नॉट नॉर्मल, बॉडी में हाई बीपी होना इज़ नॉट नॉर्मल, बॉडी में थायराइड लेवल हाई होना इज़ नॉट नॉर्मल। ये हम लोग नॉर्मल किए हुए हैं, जो हमारे फोर फादर थे, हमारे जो फोर जनरेशन थे, जो बहुत ही हेल्दी लाइफ जिए, उनका समय नॉर्मल नहीं था। पर क्योंकि हमने ऐसा लाइफस्टाइल बना लिया है कि आजकल ये लोगों को कॉमन लग रहा है। आप सिर्फ दवाई खा के ठीक नहीं हो सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरा बात सुन ले। तो अगर आप चाहते हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं बार बोलता हूँ कि अपने आप को आप टाइम फ्रेम में ना बांधे। आप एक क्रॉनिक इशू से लड़ाई कर रहे हैं, और सिर्फ टिनिटस ही नहीं, आपके बॉडी में जो भी मल्टीपल इशू है, कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट नॉर्मल। ओके, लेट मी मेक दिस वेरी वेरी क्लियर। जिनको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी वेरी कॉमन, ट्रस्ट मी, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उनको कल ना कल हार्ट अटैक, डायबिटीज़, कोलोरेक्टल कैंसर, उनका लीवर फेलियर, उनके मतलब इंटायर इम्यून सिस्टम, आप देखिए जिनके बॉडी में गट इशू रहता है उनको बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, और जिनका पेट अच्छा होता है वो बीमार पड़ते नहीं हैं, और पड़ते हैं तो उनका रिकवरी बहुत तेज़ी से होता है। ओके, सो योर गट हेल्थ इज़ लिंक टू एवरीथिंग। तो प्लीज़, पेट में गैस होना, एसिडिटी इज़ नॉट नॉर्मल। अगर किसी को एसिडिटी हो रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को गैस बन रहा है, किसी को वोमिटिंग हो रहा है, किसी को इंडाइजेशन हो रहा है, किसी को UDF आ रहा है, इसका मतलब आपके डाइजेशन इशू में कोई प्रॉब्लम है सर। तो प्लीज़ आप उस पर पहले फोकस करें। मुझे एक एक बंदे ने मुझे हाल में मैसेज किया था, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा। उसने मुझे बोला कि आपने मुझे बोला, मुझे फ़ायदा भी हुआ 15 दिन करके। उसने बोला कि मुझे बहुत रिलीफ हुआ, भैया मैं आपको एक महीने से आपके एडवाइस फॉलो कर रहा हूँ, मुझे फॉलो हुआ। फिर उसने बोला कि उसने अपना काम करना छोड़ दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आप एक डेडिकेटेड एफर्ट हो के, ऐसा नहीं एकदम पीछे पड़ जाना है आपको। ओके, सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी कभी आपको सरेंडर करना पड़ता है, आपको लड़ना नहीं है टिनिटस से। अगर आप समय नहीं देने पा रहे हैं, ठीक है, इट इज़ लाइक अ टेस्ट मैच, मैराथन, स्प्रिंट रेस नहीं है कि आप एक महीना भागेंगे और खेल खत्म, या आपका खेल खत्म हो जाएगा।
टिंटस के अगर आप पीछे पड़ेंगे तो आपका खेल और ख़राब कर सकता है। इससे बेटर मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं इसमें बार बार लोगों को बोलता हूँ कि पहले अपन फोकस करते हैं गट पे, बिकॉज यू नो द फेमस, यू नो, और आप देखेंगे अष्टांग हृदम जो बुक है, मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ पहले उसको पढ़ लें, अष्टांग हृदम जो बुक लिखी गई है वाघ भट्ट जी के द्वारा। और कुछ अच्छे लोग हैं जो यूट्यूब पे, उनको फॉलो करें आप, जैसे कि राजीव दीक्षित जी हो गए, नित्यानंदम योगिया जी हो गए, और आपके जूलियन कोविन हिल हो गए, लियम स्टॉक्टिनाइटिस, इनको फॉलो करें पहले, आप खुद देखें, एफर्ट लगाएं। अगर आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए, डेली मुझे कम से कम ऑन एन एवरेज 25 से 30 कॉल आते हैं। अगर सब लोगों को मैं एक ही कर कॉल लूँ तो भाई मेरा भी कुछ काम है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैं आप अगर आप चाह रहे तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे डीएम करें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, पहले अपना मुझे अपना इशू लिख के दें। बिना आपके सिम्टम जाने, बिना आपके बॉडी का जो प्रकृति की जाने, मैं कैसे बताऊँगा आपको ट्रीटमेंट? पॉसिबल नहीं है सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप 1 साल अपने बॉडी को नहीं दे सकते हैं, देन प्लीज़ अनफॉलो माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ से चले जाएँ। आपको जो मन करता है वो करें। मैं बता रहा हूँ कि डाइट एक रोल प्ले करता है, पर इसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है। आपका प्रीवियस लाइफ स्टाइल क्या रहा है, आपके बॉडी के मेडिकल कंडीशन क्या रहा है, बहुत सारा फैक्टर रोल प्ले करता है सर। ओके, मैं बता रहा हूँ कि जितने लोग मेरे पास आए हैं, बहुत जल्द मैं आप सभी से वादा कर रहा हूँ कि जिनका टिनिटस ठीक हुआ है उनको मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और मैं बता रहा हूँ कि टिनिटस ठीक होने में अपने आप को आप टाइम फ्रेम में ना बांधे, टिनिटस वैसे ठीक नहीं होता है, इसलिए मैंने अपना लाया है। ओके, मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी का प्रोग्राम लेने में, पहले आप खुद तो देखें क्या आप एफर्ट लगा रहे हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, क्या आप सुबह 5 बजे उठने पाएंगे, क्या आप जंक फूड को छोड़ने पाएंगे, अगर आप ये सब करने पाएंगे, टाइम से सोने पाएंगे। ओके, और ये बहुत सारा फैक्टर रोल प्ले करता है इस पर। अगर आप ये सब करने पाएंगे तब मुझसे जुड़े। मैं बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ काम करता हूँ सर, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है सर, मैं सिर्फ ये काम कर रहा हूँ। मैं अपने अपने मेंटरशिप प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग, मैं इस देखिए सबको मैं एडमिट नहीं करता हूँ, 1 महीने में 4 या 5 लोगों को लेता हूँ सिर्फ, जो लगता है कि जिन्हें है। और आजकल के युग में बिल्कुल पेशेंस नहीं है सर, ना वो एफर्ट लाना चाहते हैं, ना वो रिसर्च करना चाहते हैं, ना वो पढ़ने पाते हैं। अगर मैं बोलूँगा कि आप देखें, मैं देख लूँगा, आप सिर्फ मेरा देख लें, वीडियो देख लें, आप आयुर्वेद के बारे में पढ़ें, आप नेचुरोपैथ के बारे में पढ़ें, आप न्यूरोथेरेपी के बारे में पढ़ें, आप होम्योपैथी के बारे में पढ़ें, और उससे हेल्प लें आप। और बजाय इनके कि पहले अपना लाइफ स्टाइल, जिस व्यक्ति का एक रूटीन नहीं है, दिनचर्या नहीं है, उसका टिनिटस आजीवन ठीक नहीं हो सकता। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको अपने नर्वस सिस्टम को हील करना है, द पहला स्टेप है कि अपना पेट को ठीक करें, और दूसरा स्टेप है कि प्लीज़ एक रूटीन बनाएं, सुबह जल्दी उठे, सेम काम में नाश्ता करना है, सेम समय पर नाश्ता करना है, सेम समय पर खाना खाना है, सेम समय पर रात का खाना खाना है, और सेम समय पर सोना है आपको। बिकॉज हमारे बॉडी में एक होता है बायोलॉजिकल साइकिल, जिसको बोलते हैं कार्डियन साइकिल। ये आपका घड़ी नहीं है, स्मार्ट वॉच, आपका स्मार्टफोन नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग काम चल करेगा, वो अपना बॉडी अपना बायोलॉजिकल साइकिल के अकॉर्डिंग काम करता है। ओके, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप अपने आप यू आर डीलिंग विद समथिंग क्रॉनिक, और क्रॉनिक इशू रिक्वायर्स क्रॉनिक टाइम सर। ओके, आप किसी भी चल जाएं पैथीज में, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसका सोल्यूशन अगर चाहिए तो आपको अपना लाइफ स्टाइल और टाइम देना पड़ेगा अपने बॉडी को। हमारा बॉडी बोलता है आए और मुझे समय दें। बॉडी हमारा खोजता है कि हम, मेरा जो मालिक है, मेरे पास आए और मेरे पास बैठे समय दें। आप समय देने को तैयार नहीं है, आपके पास सुबह अपने लिए 1 घंटा है नहीं। मैं आज भी ईमानदारी से सुबह 1 घंटा योगा करता हूँ, मैं डाइट फॉलो करता हूँ। मैंने बताया था कि मुझे बहुत सारा पेट का इशू हो गया था, तो मैंने आई थिंक मुझे 1.5 ईयर लगा अपने आप को फिगर आउट करने में। सो टाइम लगता है सर, मेरे पास कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई जादुई छुरी नहीं कि मैं आपको दे दूँ कि हाँ ये ले लीजिए आप। अगर आप एफर्ट लगाने के लिए रेडी हैं, आप काम करने के लिए रेडी हैं, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे फास्टिंग हो, चाहे ग्राउंडिंग हो, चाहे सनलाइट हो,
मैंने बताया कि जिन जिसको भी इतना इंटरेस्ट होता है, हमारे बॉडीज में होता है सेवन चक्रास, मणिपुरम चक्र, मूलाधार चक्र, सेवन चक्रास होता है, वो चक्रा भी डिसबैलेंस होता है सर। आपको पता नहीं होगा व्हाट इज आरईएम स्लीप, व्हाट इज नॉन आरईएम स्लीप। तो ये सर पॉसिबल नहीं कि मैं आपको बताऊं, जब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपके बॉडी का प्रकृति नहीं समझूंगा। इसको बोलते हैं वात पित्त एंड कफ। जनरली वात बिगड़ रहता है, लेकिन बहुत लोग का ऐसा है जिसका वात के साथ पित्त भी बिगड़ा रहता है। सो आई कैन नॉट रिकमेंड अ सिंपल डाइट फॉर एवरी वन। हाँ, कुछ कुछ चीज़ मैं लोगों को कॉमन, जैसे कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, आपको दही नहीं खाना है, आपको मिल्क नहीं खाना है, ओके, जितने भी जो आता है, गोभी नहीं खाना है, आपको पत्ता गोभी नहीं खाना है, आपको ब्रोकली नहीं खाना है, सब कॉमन चीज़ है। बाकी डिपेंडिंग अपॉन योर मेडिकल कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी टाइप, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पर्सनली। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ आपको सर ये टाइम देना पड़ेगा अपने बॉडी को। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हैं तो सर बहुत डिफिकल्ट है, और एक कंसिस्टेंट होके काम देना होगा। मैं आपको नहीं बोलूँगा आप अपना काम छोड़ दीजिए, अपना जॉब छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। आप अपने बॉडी को सुबह 1 घंटा और शाम में 8 घंटा समय दें, क्योंकि आपका बॉडी इतना डिजर्व करता है मेरे ख्याल से, अगर आप बीमार है तो। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत कुछ क्लियर करता हो। सो टिल देन, सी यू नेक्स्ट गाइस, थैंक यू।